Michelle Obama. Majority of women in India has various dreams and high aspirations. But do all get fulfilled? Is ambition still a bad word? With that note, I would like to call upon the stage my team who has come up with a skit on women empowerment. So let's experience the journey of a girl named Lakshmi. ₹2 लाख मान गए हैं अखिलेश बाबू, 2 महीने में ब्याह है तुम्हारा, बंद करो ये नाटक नौटंकी।
नहीं, मेरे पास मत काटो, मुझे उड़ना है, मुझे दूर, बहुत दूर जाना है, मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है जिसे कोई ना छू सका, मुझे समुद्र की उस गहराई को नापना है जिसे कोई ना नाप सका। Education is our basic human right and it's a huge necessity. Primary education is the beginning of our future. In India, females' literacy rate is 65.46%, which is significantly lower than the world's average of 79.7%. If women reach school as a kid, adolescents are the first one to drop out. In most of the cases, the importance of higher education in women's life is no more than that of a disposable. A good husband always scores more than a good school or scholarship. Let's continue with the story of Lakshmi. लक्ष्मी, एक ग्लास पानी तो लाना भाई। जी लाई। क्या बात है, आजकल बड़ी उदास रहने लगी हो तुम? जी कुछ नहीं। कुछ तो है। जी वो मैं बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहती थी। हाँ भाई बताओ, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है, बोलो। दरअसल वो मैं बताना चाहती थी कि बोलो बोलो कि एक बात बताना चाहती थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है। अरे उसका फैसला बाद में कर लेंगे, बताओ तो सही, हुआ क्या है? दरअसल आप पापा बनने वाले हैं। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, तो उसमें चेहरा लटकाने की क्या जरूरत है भाई? जी वो मुझे डर है कि अगर बेटी हो गई तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी हो या बेटा क्या फर्क पड़ता है। मुझे डर है कि अगर बेटी हुई तो उसके साथ भी वही ना हो जो मेरे साथ हुआ, उसके मामा भी वही ना करे जो मेरे साथ हुआ था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ तो वो हमारे बच्चे के साथ नहीं होगा। Now Lakshmi is blessed with a baby girl and she goes school now. Empowers the family,
but the community and the economy of our country. लड़कियों को हाथ से निकलने दें, तभी वो खुले आसमान में एक आजाद परिंदे की तरह उड़ सकेंगी और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगी।